लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल फूड एनर्जी. यानी वो प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू फूड एनर्जी में. अब फूड एनर्जी में फूड में एनर्जी आ गई यानी केमिकल एनर्जी बन गई. अब फूड एनर्जी को ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट करना है जिसको सेल्स आसानी से या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए वो उस एनर्जी को यूज भी कर सके. याद रहे फोटोसिंथेसिस इज इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू फूड एनर्जी में. अब ये फूड एनर्जी जो बन गई इसी एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट करना है? बॉन्ड एनर्जी में. बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट? ऑफ एटीपी. एटीपी के एनर्जी में कन्वर्ट करना है इसको. और ये एटीपी वो एनर्जी रिच कंपाउंड्स है. एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसके लिए बड़ा अच्छा सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इट हैज द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब फूड में भी एनर्जी तो है लेकिन फूड में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि उससे अगर सारी एनर्जी एट अ टाइम निकल जाए तो वो सेल्स के लिए ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है. तो इस प्रोसेस को यहां पर ये जो लाइट एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और जब यही फूड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इट इज द रिस्पायरेशन. हम रिस्पायरेशन को सिंपली यानी हमारे पास से जो पुराना रिस्पायरेशन वाला जो डिफिनेशन था उसमें हम कहते थे कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलता है एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है प्लस उसके साथ एनर्जी रिलीज हो जाती है. इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं. हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग प्लांट्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ प्राइमरी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का वर्ड यूज हुआ. रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यानी वो मॉलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसकी ऑक्सीडेशन करके उसके रिजल्ट में एनर्जी वो मेटाबॉलिक एनर्जी या एटीपी बनाने के लिए उसको यूज कर रहा है उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं. और रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे नॉर्मल कंडीशंस में कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है और होता है. इसके अलावा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन्स भी एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज होते हैं. लिपिड्स भी एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो सकते हैं. यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज होते हैं. यानी हम उसको कलेक्टिवली कह सकते हैं कि फूड्स यानी हाँ वो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है लिपिड है या प्रोटीन है या कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो एज ए फूड यूज होते हैं. तो हम रिस्पायरेशन को अगर हम बहुत सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस इन विच केमिकल फूड एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू बॉन्ड एनर्जी. यानी फूड एनर्जी चेंज हो रही है इन टू बॉन्ड एनर्जी में. और बॉन्ड एनर्जी हमने पढ़ा है कि एटीपी में ये हम एक एटीपी बना देते हैं ए बना लेते हैं एडिनोसिन बना लेते हैं इसके साथ एक फास्फेट मौजूद है फिर इसके साथ एक दूसरा फास्फेट मौजूद है फिर तीसरा फास्फेट मौजूद है तो ये एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया. इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ ये सेकंड बॉन्ड और ये थर्ड फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है यानी फर्स्ट और सेकंड फास्फेट के दरमियान बॉन्ड और सेकंड और थर्ड फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है इसको हम ऐसे वेवी शो करते हैं. वेवी इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इसको बनाने के लिए भी काफी एनर्जी चाहिए और इसको जब ये टूटता है तो ये मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म
मेटाबॉलिज्म के दौरान उसको अगर कोई एनर्जी चाहिए तो वो इसी एटीपी की ब्रिकेट करके उसकी हाइड्रोलिसिस करके एज ए सेड फास्फेट ग्रुप अलहदा हो जाता है, और फास्फेट ग्रुप जैसे अलहदा होता है यहाँ पर बांड टूटता है तो एनर्जी रिलीज कर लेता है ये एटीपी, और उस एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। वेल नॉन एनर्जी फंक्शन मसलन हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान जो एनर्जी चाहिए इट कम्स फ्रॉम एटीपी। इसी तरह मसल्स की एक्टिविटी है जिसमें बॉन्ड एनर्जी चेंज हो रही है इनटू मैकेनिकल एनर्जी में, तो इस यानी जहां भी एनर्जी की नीड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इट कम्स फ्रॉम एटीपी। इसके अलावा एक और न्यूक्लियोटाइड भी है जिसको हम नाम देते हैं मायोसिन ट्राइफॉस्फेट या जीटीपी, वो भी कुछ जगहों पर एनर्जी की नीड को पूरा कर रहा है। तो हम उस पे आते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें फूड एनर्जी चेंज हो रही है इनटू बॉन्ड एनर्जी एनर्जी में, उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस को देख लें तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर हो रही है, जबकि रिस्पायरेशन में स्टोर्ड जो फूड एनर्जी की सूरत में स्टोर हो चुकी है वो रिलीज हो रही है। रिस्पायरेशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, टूटते हैं, यहां पर बॉन्ड्स फोटोसिंथेसिस में बॉन्ड्स बन रहे हैं और रिस्पायरेशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड्स है वो टूट रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में मोस्टली रिडक्शन हो रहा है, जबकि रिस्पायरेशन में मोस्टली इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की या फूड मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो रिस्पायरेशन हमारे पास दो तरह के रिस्पायरेशन है, एक को हम नाम देते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरे को हम नाम देते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए, खासकर अगर हम ग्लूकोज की बात कर लें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज यूज हो रहा है तो उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए, कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो, और उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। और उस एरोबिक रिस्पायरेशन में किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज का मस्ट होना जरूरी है, ये ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन कहाँ पर रिस्पायरेशन में यूज हो रहा है वो हम अपनी जगह पे देखेंगे। इसके अलावा वो रिस्पायरेशन जिसमें इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की पार्शियली ब्रेकडाउन होती है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनकी नहीं होती, और इस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के उस वक्त नहीं होती, सॉरी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की उस वक्त होगी जब ऑक्सीजन नहीं होगा, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, ऐसे रिस्पायरेशन को फिर हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन आज हम देखते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन जो है, एनएरोबिक भी सेलुलर रिस्पायरेशन है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है इनटू थ्री फेजेस में। एरोबिक रिस्पायरेशन के जो स्टेप्स हैं वो फर्स्ट स्टेप को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की डिस्कशन से पहले अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा देख लें कि ये जो रिएक्शन है कैसे लग रहा है, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट मिल रहा है, एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ये ऐसे लगता है कि सिंगल स्टेप में हो रहा है, लेकिन ये सिंगल स्टेप में नहीं होता, सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है और हर एक स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स। हर एक स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, और ये रिएक्शन ग्लूकोज फौरन नहीं टूटता, उससे एनर्जी हासिल नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट रहा है। और उस स्लोली मूवमेंट, स्टेप वाइज मूवमेंट का फायदा ये है कि इससे चूंकि ये रिस्पायरेटरी प्रोसेस विद इन द सेल होता है और सेल का टेम्परेचर
अमूमन अगर हम ह्यूमन बींग के देखें 37 डिग्री सेंटीग्रेड या प्लांट्स की 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत कॉमनली यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर ये ग्लूकोज अचानक से ब्रेक डाउन कर ले टूट जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो इससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि उससे वो सेल्स के किसी फायदे के लिए नहीं होगी बल्कि उल्टा उससे सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज या एज ए होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज ओवरहीट हो जाएगी। जिस तरह हम घड़ी में अगर टैंकी भरी हुई हो पेट्रोल की तो हम सारे के सारे पेट्रोल को एक साथ अगर हम जला दें तो वो तो फिर ओवरहीट हो सकता है गाड़ी इवन धमाका हो सकता है नुकसान हो सकता है गाड़ी को और उनमें बैठे हुए मुसाफिरों को। तो इसी तरह उससे थोड़ा थोड़ा पेट्रोल इंजन में जाता है और इंजन में वो जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी वहां से रिलीज करता है। तो इसी तरह ग्लूकोज भी मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी चाहिए ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं टूटता बल्कि वो इसमें ज्यादा एनर्जी है टूट गया वही एनर्जी अगर हम यूज करें तो सेल्स ओवरहीट हो सकते हैं बल्कि ये अपनी एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है इसी एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। और एटीपी हमें बताया इट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी एंड इट हैज द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये जो ग्लूकोज का टूटना है ये दो मेन स्टेप्स में होता है एक को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस और सेकेंड स्टेप को हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स में ये जो एस यूज होता है ये वो का के की वाला एस नहीं है कि क्रेब्स का क्रेब का साइकिल नहीं ये क्रेब्स उसके साथ जो एस लगा हुआ है ये उसके नाम का अपना ही हिस्सा है। तो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दो स्टेप्स में इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होती है टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस जिसमें एक ग्लूकोज ब्रेक कर रहा है इंटू पाइरुवेट एसिड में पाइरुवेट या पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है यानी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होती है टूट जाता है। ग्लूकोज हमें पता है इट इज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल और इससे थ्री कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बन जाते हैं। अब ये ग्लूकोज जो टूट रहा है पाइरुवेट में ये भी सिंगल स्टेप में नहीं होता बल्कि अगर हम यहाँ पर देख लें कि ये स्टेप वाइज रिएक्शंस ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस कहां पर हो रहे हैं इट अकर्स इन द साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में ही ये हो रहे हैं यानी साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। और ये ग्लूकोज स्टेप वाइज नहीं टूट रहा है कैसे टूटता है यहां पर देखते हैं। ग्लूकोज टूट रहा है एक कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट में यानी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ एक फास्फेट अटैच हो रहा है। और इस ये फास्फेट कौन दे रहा है फास्फेट कम्स फ्रॉम एटीपी एटीपी चेंज हो रहा है इनटू एडीपी में एस इज द ग्लूकोज उसका जो फास्फेट है इट इज कैप्चर्ड बाय दिस ग्लूकोज खुद चेंज हो रहा है इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट में ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमराइज हो रहा है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में फ्रक्टोज 6 फास्फेट भी चेंज हो रहा है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। और यहां पर जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है इसको ये फॉस्फेट ग्रुप पहले फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे था इसके कार्बन नंबर ये एक ग्लूकोज भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट भी 1,6 बिसफॉस्फेट भी ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है इसके कार्बन नंबर 6 के साथ जो फास्फेट ग्रुप था ये एक और फास्फेट इसको चाहिए और दूसरा फास्फेट कहां से इसको मिल रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिल रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट खुद चेंज हो रहा है इनटू एडीपी में और फास्फेट ग्रुप किसको दे रहा है इसी फ्रक्टोज 6 फास्फेट को दे रहा है। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये फास्फेट गेन करने के बाद किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो चेंज हो रहा है टूटता है इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड
ये एक थ्री कार्बन कंपाउंड है और ये भी एक थ्री कार्बन कंपाउंड है, दो थ्री कार्बन कंपाउंड में टूट रहा है, एक को हम ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट और दूसरा है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। यह एक ग्लिसरॉल डिहाइड थ्री फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरेट या 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट, जो भी कहें डाइफॉस्फो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड या बाइफॉस्फो ग्लिसरेट या बाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, जो भी कहें वो नाम ठीक है, 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरेट। यहां पर जब ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा हो तो इट यहां पर ये एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप वो गेन कर लेता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट चेंज हो रहा है इनटू 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरेट में, 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरेट में, और यहां पर जो इससे हाइड्रोजन निकल जाता है, ये हाइड्रोजन ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और NAD को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है इसको NAD को रिड्यूस कर रहा है, तो NAD हाइड्रोजन कैप्चर करके किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू NADH2 में, NADH2 में, ये इसको याद रखना है NADH2 में, और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट चेंज हो जाता है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया। इस दौरान इसका जो कार्बन नंबर 1 के साथ जो फॉस्फेट था इट इज कैप्चर्ड बाय एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसको हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कैप्चर कर रहा है, और इस कैप्चरिंग को यहां पर जो फॉस्फेट ग्रुप चेंज हो रहा है, यहां पर जो फॉस्फेट ग्रुप ADP कैप्चर कर रहा है, किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ATP में कन्वर्ट हो रहा है, एक ATP यहां पर हमें हासिल हो रही है, और दूसरा दूसरा फॉस्फेट यहां पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो रहा है इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी सिर्फ इसका जो फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 3 के साथ था वो उसके कार्बन नंबर 2 के साथ आ गया, यानी इसकी आइसोमराइजेशन हो गई, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर मॉलिक्यूल निकलकर किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो रहा है इनटू पाइरूवेट, किस चीज में चेंज हो रहा है, पाइरूवेट में, और इस दौरान ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट या फॉस्फोइनोल पाइरूवेट एसिड के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप था इट इज अगेन कैप्चर्ड बाय ADP, ADP इसको इसके फॉस्फेट ग्रुप को कैप्चर कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू ATP में, एक ATP यहां पर बन रही है, यहां पर बन रही है, तो हम एक यहां पर ये थ्री कार्बन कंपाउंड है, ये भी थ्री कार्बन कंपाउंड है और ये भी एक थ्री कार्बन कंपाउंड है, तो हम हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट हैं, याद रहे ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट है यहां पर ये दो पाइरूवेट बनते हैं और यहां पर ATP बनते हैं, दो ATP यहां पर बनते हैं और दो ATP यहां पर बनते हैं, यहां पर दो NADH2 यूज हो रहे हैं, दो NAD चेंज हो रहे हैं इनटू 2 NADH2 में, लेकिन यहां पर हमें हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस में कि हम कितने ATP कंज्यूम कितने हो रहे हैं, ATP माइनस कितने हो रहे हैं, हमारे पास हम ये दो ATP यहां पर कंज्यूम हो रहे हैं, एक यहां पर ATP कंज्यूम हो रहा है और एक यहां पर ATP कंज्यूम हो रहा है, जबकि गेन कितनी हो रही है, ATP की ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है, ATP की प्लस जमा कितने हो रहे हैं, गेन कितने हो रहे हैं, हमारे पास गेन 4 हमारे पास ATP बनते हैं, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल
जब पाइरूवेट एसिड में उसकी कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस हो जाए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास दो एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं इस रिएक्शन के दौरान और चार एटीपी बन जाते हैं, चार एटीपी बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो एक एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, एक एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। याद रहे इस स्टेप्स को बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। याद रहे इस फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट के बाद ये फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट इस दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और दूसरा ग्लिसरॉल ट्रिफॉस्फेट में। ग्लिसरॉल ट्रिफॉस्फेट जो है ये रिएक्शन एक मरतबा इसको एक पाइरूवेट बना देता है, एक पाइरूवेट बना देता है। एक पाइरूवेट जब बनता है तो यहाँ पर एक NADH2 एक NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, एक ATP यहाँ पर एक ATP बन जाता है और एक ATP यहाँ पर, देखें। और नेक्स्ट ये ग्लिसरॉल्डिहाइड एक पाइरूवेट बन गया, फिर दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर एक मरतबा ये साइकिल दो मरतबा होता है। तो एक पाइरूवेट बनाने में ये एक मरतबा प्रोसेस और फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जब ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट तो ये दूसरी मरतबा ये प्रोसेस हो जाता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास दो ATP बनते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास दो ATP बनते हैं। और यूज कंजम्पशन कितनी की है, कंजम्पशन हमारे पास दो ATP, एक ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा हो तो एक ATP यहाँ कंज्यूम हो जाते हैं और एक ATP यहाँ पर कंज्यूम हो जाते हैं। तो दो कंज्यूम हो रहे हैं और दो चार हमारे पास बन रहे हैं। तो नेट गेन ऑफ ATP, नेट गेन कितनी है हमारे पास, दो ATP हमारे पास, नेट गेन ऑफ ATP हमारे पास, नेट गेन ऑफ ATP हमारे पास कितना है, दो ATP हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में यानी हमारे पास आ जाते हैं, हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं जब एक ग्लूकोज दो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाए तो हमारे पास दो ATP बनते हैं और दो NADH2 बनते हैं। याद रखें इस रिएक्शन को हम जब एनर्जी बैलेंस देखेंगे तो इस रिएक्शन को आपने याद रखना है। तो दो NADH2 बन रहे हैं और दो ATP बन रहे हैं। अब ये पाइरूवेट साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म ही में हो रही है, साइटोसोल में हो रही है, क्योंकि उसके लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अब ये पाइरूवेट कहाँ जाएगा, ये अब नेक्स्ट एंट्री कर लेगा, कहाँ पर कहाँ जाएगा, इंटर माइटोकांड्रिया में। मजीद एरोबिक रिस्पायरेशन अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो पाइरूवेट कहाँ पहुंच जाएगा, इंटू माइटोकांड्रिया में, और माइटोकांड्रिया में मजीद पाइरूवेट की ब्रेकडाउन होगी, मजीद ऑक्सीडेशन होगी।